एक दो दिन सब्र कर लें, जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं ले आऊंगा आपके। अरे इतने दिन मैं कैसे गुजारा करूंगी। अच्छा तुम किसी से उधार पकड़ लो, तुम्हारे अब्बा की पेंशन आएगी तो मैं दे दूंगी। वैसे हद है, इस घर में तो कोई किसी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। बाप के मरने के बाद ना बेटे पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और माफ कीजिएगा सलमान भाई, ना तो आप अम्मी की जिम्मेदारी उठाते हैं, और बहन वो तो है ही फालतू आपके लिए, उसका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। ज्यादा लगाई बुझाई मत क्या करो। कौन सी जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर रहा? जितनी तनख्वाह मिलती है घर ला के दे देता हूँ। आती तो घर ही है, पर जाती किसके हाथ में है ये तो सभी जानते हैं। खबरदार अगर तुमने मुझे बीच में लाने की कोशिश की, समझी तुम? और दूसरों को तो बहुत जिम्मेदारियां याद करा रही हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम काज कोई नहीं करती, सिर्फ नुक्ताचीनी। आए हाय, क्यों लड़ने बैठ गए हो तुम लोग? एक आपा के घर का माहौल देखा है? किसी की ऊंची आवाज सुनी है? ना किसी में गुस्सा है, ना नफरत है, सब प्यार मोहब्बत से रहते। कि उनके घर में शमीला जैसी ननजो नहीं है। क्या मतलब है आपका? तुम जितनी मुंहफट, बदतमीज और फितना परवर हो ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। चची जान को भड़काने में और इस घर का माहौल खराब करने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। बस कर दो, बस कर दो। तुम लोगों की बकबक सुनकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। नायला, क्यों इसके मुंह लग रही हो? इसको किसी की इज्जत का ख्याल है? जी जी, मुझे ही तो किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, आपको तो बहुत है। करते हैं अपनी बहन के तीज तीज के करते हैं। तुम इज्जत लेने के काबिल तो बनो। रिदा की तरफ देखो, कैसे सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। क्योंकि वो सबकी इज्जत करती है, इसलिए सब उससे प्यार करते हैं। उसके भाइयों की तरफ भी देख लें कि वो उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कैसे उसके लाड उठाते हो। काम सुमान भाई, मुझे रिदा से कंपेयर करने की कोशिश मत किया करें। अरे हाँ भाई, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि तुम उसके जैसी हो ही नहीं सकती। अगर वो इस घर में होती ना, तो कम से कम हमारे घर में सुकून बहुत होता। क्या मतलब है आपका? किस घर में जितने भी झगड़े होते हैं सबकी वजह मैं हूँ? रिदा को भी आप जैसी भाभी मिली होती ना, तो उसके घर का भी यही माहौल होता। अरे हाँ हाँ, अब तुम जैसी भाभी मिलने जा रही है ना, हम भी देख लेंगे। तो खुदा ही रहम करे उनके घर पे। जाओ जाओ जाओ, बस कर दो। जोरू का गुलाम। मम्मी बस, जब तुम्हारी बकबक खत्म होती है ना, उसकी बकबक खत्म होती है। उसका जो जी में आता है बोले चले जाता है।